हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं कट करी हूँ प्याज, टमाटे, हरी मिर्ची। आज मैं ये बनाने वाली हूँ अंडा पराठा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वालेकुम। तो आज हमारे दस्तर पे है हेल्थी फूड। देख सकते हैं, पहले है आम, ग्रेप्स एंड जूस और तरबूज, ऑमलेट, रोटी एंड पूरा हेल्थी है हमारे पास। अनार, एप्पल, फिर इधर बनाना, पानी, जूस। बस हेल्दी खा रहे आज हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अपन को इतना खिला रहे पिला रहे, अल्लाह का थैंक्स करना। तो चलिए गाइस, रोज़ा खुले बाद में मिलते हैं। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से इन एडवांस, बिकॉज़ नेक्स्ट एक दो तीन दिन मैं नहीं रहूँगा शायद ब्लॉग्स में, क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस के काम है थोड़े। काफ़ी टाइम के बाद ओपन हो रही है ऑफिस, तो कॉल आया ऑफिस से जाना है, जरूरी कल है। से आओ बोल के बोले इनको। यस, तो इफ्तार से बट इन्होंने जा रहे, मेरे को जाना है जब तक काम यार ये तो मतलब मजबूरी है, जब तक हेल्पर नहीं मिली मैं नहीं जाना करती ऑफिस पे। यार देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, काम वाले ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग समझते हैं मैं कितना काम करती हूँ, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया कुछ भी काम नहीं करते, भैया खाली कभी कभी बर्तन धोते एंड फ्रूट्स अच्छा काट लेते। तो मैं बोलना चाह रही थी ईद के बाद जाओ, जब तक थोड़ा वायरस का भी थोड़ा कम हो जाएगा। एंड आप लोग ज़रूर बोलना गाइस भैया को ईद के बाद जाओ बोल के, तो सुन रहे नहीं मैं कल से चले जाओ तो ऑफिस को बोल रहे। तो मैं बोल रही नहीं, मेरी बात सुनते ही नहीं, प्लीज आप लोग बोलो को जाना जरूरी है गाइस, तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक बोल दे रहा हूँ। तो ईद के दिन में नहीं आती शायद आप कैमरे में? नहीं, ईद के दिन में मुश्किल से मेरे को टाइम मिलता है। ईद के दिन में ऑफिस रहती है, ऑफिस रहता मैं, काम मतलब ऑफिस में दोस्त वहाँ पे ईद भी करते हैं हम लोग, तो मुश्किल हो जाती है। ईद के दिन मिलता हूँ, लेकिन आई थिंक ईद तक आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ईद को तो रहते हैं ना, घर में ही रहते, दो दिन पहले से रहते, चांद रात को भी नहीं जाते। झूठे आता है पूरे खुद ही डिसाइड कर ले रहे नहीं जाना है। मेरी बात सुनते ही नहीं यार, आप लोग समझते बल्लू और डिसेंट है, फेस देगा तो डिसेंट, क्या भी नहीं सुनते घंटा। तो मैं काम करता हूँ, होना है तो हेल्पर को अरेंज कर लेता हूँ। नहीं, हेल्पर की जरूरत नहीं है, बिकॉज बर्तन कैसा भी शाम में रहते मतलब वहाँ भी प्लान सेट, अगर मैं ऑफिस गया भी तो शाम तक बर्तन रहते। हाँ, आप कैसे भी रोजा खोल के आते ना ऑफिस से, तो बर्तन वैसा भी ऑफिस से। यार यही प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक मैक्सिमम घरों में यही प्रॉब्लम है। अब आदत हो गई, अब हाँ आदत हो गई। कल से मेरे को ऑफिस जाना है, मैं ब्लॉग्स में कम ही दिख सकता हूँ शायद, ऐसा कुछ भी नहीं है, ईद तक दिखते हैं ना ब्लॉग में, ईद के बाद पता नहीं मालूम नहीं। मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं है बोल दे रहे। yes. तो मैं इनको नहीं जाना है तो मेरी बात सुनते नहीं यार। नहीं नहीं, मैं इसलिए एक डायलॉग प्रिपेयर करा इनके से, बोलो जा सलमा जा, जी ले अपनी जिंदगी। सुनो गाइस, आप कमेंट, अगर आप लोग को साइन दिख रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ भैया जाना नहीं ऑफिस कल से, जरूर कमेंट करके दिखाओ जाना बोल के कमेंट करो। चलो कितने लोग बोलते तो समझेंगे उसके हिसाब से, तो तुम चले जाना, निकल जाना फौरन, फौरन निकल जाना, अभी चले जाना, सहरी के बाद ही निकल जाना। वैसे ही से रहता ना आपका 7 बजे? मेरा वैसे भी 7 o'clock से स्टार्ट होता, इफ्तार भी रास्ते में हो जाती ऑलमोस्ट, घर आने तक ट्रैफिक हैदराबाद की आप लोगों को मालूम है, सो वैसा हो जाता। तो फिर वो ब्लॉग्स नहीं मिलते आप लोग को, इफ्तारी प्रिपरेशन वो ये, बिकॉज मैं अकेले रहती क्या बना। आप लोग बोलोगा इसे, इनको नहीं सुन रहे मेरी बात, मैं नहीं सुन सकता हूँ किसकी भी, मैं जा रहा हूँ भैया आपको सुना पड़ता, दीदी की बात बोलते देखो।
तो ऐसा है नहीं तो दीदी अपना। जाने दो भैया को, कई को रोक रहे बोलते। तो फ्रेंड्स आज हमारी सबसे बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे चैनल पे ये है कि हम आज 100 व्लॉग्स पूरे करें। ये तो आज 100 से हमारे ज्यादा ही छे, मतलब वो यस वीडियोस थे डेली हमारे। व्लॉग्स 100 व्लॉग्स हो गए। इससे पहले भी हमारे जो है व्लॉग्स वो भी ऑलमोस्ट 110 के प्लस व्लॉग्स है। पूरे टोटल 200 हो गए हमारे। यस तो सिर्फ डेली व्लॉग्स हमारे 100 हो गए। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम वेरी बिकॉज वेरी हैप्पी। कंटिन्यू थे जो हम लोग, यस तो अब इसके बाद में हो सकता हम लोग कंटिन्यू रहते नहीं रहते नहीं मालूम, डेली व्लॉग्स डालते नहीं डालते नहीं मालूम, यस चैनल पे आते नहीं आते नहीं मालूम, मैं रहता हूँ नहीं और रहता हूँ, ऑफिस जाता नहीं हूँ मालूम, नहीं मैं भी मालूम। व्लॉग्स करती हूँ नहीं करती हूँ नहीं मालूम, एंड आई थिंक हम लोग यूट्यूब पे रहते नहीं रहते नहीं मालूम। तो देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हाथ में है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना हम लोग रहना यूट्यूब पे, नहीं रहना या छोड़ना है यूट्यूब हम लोग को, यस तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अगर आप लोग को पसंद है हम लोग गाँव हमारे ब्लॉग्स, तो जल्दी तो जल्दी नीचे जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो। कमेंट्स कर दो यस और मैं ऑफिस जाना नहीं जाना वो भी कमेंट कर यार। आप दो। लोग क्या हुआ कल ब्लॉग्स नहीं देखे, तो जो भी कल का ब्लॉग नहीं देखे प्लीज़, यस कल का कल का वो ब्लॉग परसों में ब्लॉग देखो आप। नहीं देखे आप यस वो भी प्लीज़, देख ज़रा लो। थोड़ा कंटिन्यू देखो यार, हम यस मेहनत करते हैं आप लोग के वास्ते, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली। समझ सकते तो हैं ना। नॉर्मली हमारा ब्लॉग एवरीडे 10:30 तक आ जाता है, तो प्लीज़ यस देखो आप लोग वो टाइम पे। अब रमजान एंड के बाद नहीं बोल सकते रमज़ान गाइस, के बाद कोई शेड्यूल नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग अपडेट देंगे शेड्यूल का क्या रहेगा, कौन कौन से सा टाइम टाइम पे पे आने आएगा। वाला है आप लोग भी सजेस्ट करो कौन सा टाइम आप लोगों को भी पसंद। तो हमारा आमलेट। इफ्तार एकदम हेल्थी इफ्तार था, इतना यस लाइट फील हो रहा मेरे को, सीरियसली बहुत हेल्थी था, बहुत अच्छा भी फील हो भूख रहा, लग रही एक्टिव भी होने, भूख नहीं लगी लेकिन एक्टिव हूँ एक मतलब उतना ओवरलोडेड नहीं है और उतना खाली भी नहीं है, यस खाली है परफेक्ट बाद। लेवल है। कल बिरयानी खाए कैसा हो गया था? बिरयानी खाए बाद में टुल एकदम से यस ऐसा बहुत ज़्यादा रहता, नींद आ रही थी। डिफरेंट बहुत रहता, तो कभी यस कभी खा लेना चाहिए, यस कभी कभी ऐसा भी खाना चाहिए। आज बिल्कुल एक्टिव है और यस लाइट फील हो रहा है गाइस, तो अच्छा है। और नीचे कमेंट्स कर दो हमारे 100 व्लॉग्स को कंग्रेट भी। कुकिंग करना है मेरे को, तो कुकिंग वीडियोस आपको नहीं दिख रहे होंगे ज़्यादा, ये शूट करके ये डाले तक मेरा टाइम हो जा रहा है गाइस, यस इसलिए इसके बाद व्लॉग के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल के वीडियो में दिखाऊंगी मैं आज क्या बनाई इसको इंशाल्लाह। तो चलिए गाइस फिर मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़। यस ज़रूर दुआ में याद रखना, तो हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे यूट्यूब छोड़ के, बिकॉज इतनी सीक्रेट मेहनत है लगी, तो सीक्रेट है बट कुछ स्पेशल आने वाला है, पूरे तो हम तो जाने वाले नहीं हैं और आप भी नको जाओ। यस ये सीक्रेट सिर्फ उन लोग मालूम था जो पूरा व्लॉग देखे वीडियो पूरा में। व्लॉग देखे यहाँ तक जो देखे उन लोग को मालूम होता, तो हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे, बस आप लोग के साथ रहना चाह रहे। एंड आप लोग को हमारे साथ रहना है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बजा लो और जुड़े रहो, इंस्टा पे फॉलो कर लो दोनों को, यस आईडी इधर रहती उधर रहती आईडी, दो यस आईडी भी आप फॉलो कर इंस्टा पे लो। जो भी नए यस फॉलो करे फॉलो कर लो, बिकॉज आप कुछ भी पर्सनल बात कर सकते हैं, पर्सनल मतलब वीडियो के थ्रू कुछ आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बनाना बोल सकते गाइस। तो चलो ज़्यादा नहीं बक 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 करते, मिलते हैं कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना स्पेशली हमारी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।